दोस्तों नमस्कार और वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त एपी, और आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल चैनल एपी टेक्निकल गुरु। फ्रेंड्स, टाटा ने बिल्कुल नया धमाका करते हुए अपनी टिगोर का एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है, उसे अपग्रेड करके। यानी कि जहां पर पहले कई सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट्स में नहीं मिल पाते थे, अब आपको ये शिकायत नहीं रहेगी। अब टाटा के बेस वेरिएंट्स में भी आपको वो फीचर्स मिलेंगे जिनको आप चाहते थे कि उसमें मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं, टाटा की ये दो गाड़ियाँ, एक टियागो और टिगोर की, काफ़ी अच्छी सेल होती है और टिगोर की काफ़ी अच्छी मांग रहती है उसके स्टाइलिश लुक के कारण, प्लस सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट के कारण। तो दोस्तों इसके लिए टाटा टिगोर में जो टाटा ने अपग्रेड किए हैं वो तो बहुत बेटर है, लेकिन उससे भी बेटर ये है कि टाटा ने इसके प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं, यानी कि ओल्ड प्राइस पर ही आपको गाड़ी मिलेगी, जिसे हम कह सकते हैं रियल धमाका। तो फ्रेंड्स, टाटा ने टिगोर में जो नए फीचर्स अपग्रेड किए हैं उनमें फर्स्ट है ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और दूसरा है EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इन दोनों फीचर्स को जोड़ने के बाद में टाटा ने इसमें CSC यानी कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी ऐड कर दिया है, जो बहुत ही बेटर है। इसके अलावा आपको इसमें साउंड सिस्टम भी बहुत ही बेटर मिलने वाला है, जो 8 स्पीकर का हरमन का ऑडियो सिस्टम होगा। आप जानते हैं टाटा की गाड़ियों में हरमन का ही साउंड सिस्टम आता है, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का होता है। इसमें तो आपको मिलेगा 8 स्पीकर वाला, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, 540 के एक्स शोरूम प्राइस पर ये गाड़ी हमारे लिए काफ़ी आकर्षक। और तो फ्रेंड्स, इसमें इसके अलावा जो मेन फीचर्स हैं, चाहे वो सुरक्षा के हैं या स्टाइल के हैं या इंटीरियर और एक्सटीरियर के हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। हम कह सकते हैं इनमें से कुछ फीचर अपग्रेड भी किए गए हैं, कुछ फीचर्स आपको जस के तस मिलने वाले हैं, यानी जो से पहले टिगोर में मिलते थे। जैसे कि 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन अब मिल रहा है, जो पहले भी टिगोर में मिल रहा था, यानी उस की कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं किया गया है, जो देता है 84 BHP की पावर और 114 Nm का टॉर्क देता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें पावर स्टीयरिंग पहले से ही अवेलेबल है, पावर स्टीयरिंग अब भी हमें मिल रहा है। इसके अलावा फ्रंट और रियर में इसके आपको मिलेगा पावर विंडो, जो एक कह सकते हैं इस टाटा की इस सेगमेंट की गाड़ियों में होना लाजमी भी है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मिलेगा सुरक्षा में ही सेंटर लॉकिंग मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है। इसके अलावा इसमें जो व्हील्स मिलते हैं वो एलॉय व्हील्स हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं, 15 इंच के एलॉय व्हील्स, जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। LED लैंप्स मिलते हैं, जो काफ़ी आकर्षक हैं, बिल्कुल नए स्टाइलिश डिज़ाइन में दिए गए हैं, और शार्क फिन एकदम एंटीना दिया गया है और डायमंड ग्रिल दी गई है। इसके अलावा इसमें आपको इंटीरियर दिया गया है ड्यूल टोन में, यानी कि जो देखने में भी अपना एक अलग ही लुक देता है। इसके अलावा टाटा ने साउंड क्वालिटी इतनी बेटर कर दी है, कम से कम इस गाड़ी की हम बात कर सकते हैं। हालांकि टाटा की सभी गाड़ियों में आप जानते हैं हरमन का साउंड सिस्टम मिलता है, लेकिन इसमें आपको दिया है 8 स्पीकर का सराउंड सिस्टम। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, सराउंड साउंड सिस्टम में क्या आनंद आता है, तो आप फील कर पाएंगे बिल्कुल ऐसा जैसे आप थिएटर में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं, उस साउंड का आपको फील होगा इस गाड़ी में बैठने के बाद में। इसके अलावा दोस्तों, पेट्रोल में ही आपको इसका ऑटोमेटिक वर्जन भी मिल जाएगा, जो बहुत ही बेटर है। अगर आप चाहते हैं AGS में, यानी जिस तरह आप अन्य ब्रांड की गाड़ियां देखते हैं, तो आप ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट में भी इसकी गाड़ी ले सकते हैं। प्लस टाटा में ऑटोमेटिक में भी आप जानते हैं कई एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, तो आप चाहें तो ऑप्शन में उसे भी ले सकते हैं, जो लगभग 50 to 60,000 इससे कॉस्टली भी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, थोड़ा सा फीचर्स की हम बात करें कि इसमें आपको ड्राइवर एयरबैग्स और पैसेंजर एयरबैग भी मिलता है, और सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है सीट बेल्ट के अलावा। प्लस इसका स्पेसियस इस तरीके से है गाड़ी की, आप रियर में या फ्रंट में कहीं भी बैठे हों आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रंट में आपको मिलता है रियर सीट हेडरेस्ट भी, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। ड्राइवर इसे चलाते हुए किसी तरीके से भी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करेगा, पूरी तरीके से कंफर्ट फील होगा, ये इस गाड़ी की विशेषता भी है दोस्तों। तो ये टाटा की टिगोर है, जो टाटा ने बिल्कुल एकदम एडवांस लुक में नए अपग्रेड के साथ लॉन्च किया है। प्लस हमने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, सबसे इसका ब्राइट जो आप पक्ष कह सकते हैं वो ये है, टाटा ने इसके प्राइस में कोई बढ़ोतरी जैसे की है। जैसे कि अनदर कंपनियां अगर कुछ प्राइस अपग्रेड करती हैं तो कुछ एक्स्ट्रा उसके साथ प्राइस अवश्य जोड़ती हैं, लेकिन टाटा ने ऐसा नहीं किया है। तो ये भी आपके लिए चॉइस हो सकती है, जैसा कि हमने बताया जो अन्य गाड़ियाँ हैं, चाहे वो मारुति की वैगनआर है या हुंडई की सेंट्रो है या फोर्ड की एस्पायर है, तो आप लगभग उसी सेगमेंट में इस गाड़ी को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लगभग उसी कॉस्ट की गाड़ी है। अगर बेस सेगमेंट से बात करें, क्योंकि 545-545 से इसका बेस सेगमेंट स्टार्ट होता है, तो एक बार अवश्य आप ये गाड़ी देखें, अब आप बहुत ही आनंद देगी। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं अब एक तरीके से मार्केट में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जैसे आप जानते ही हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि
रेनॉल्ड ने अपने क्विड का लाया था ABS वाला वर्जन, अब टाटा भी ला चुकी है, पहले टियागो का लाई थी, अब इसका भी ले आई है, तो निश्चित रूप से अब अन्य कंपनियों को इस बारे में, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं काफ़ी मार्केट में सेल होती है, उन्हें भी इस बारे में विचार करना होगा अपने बेस सेगमेंट के वेरिएंट में भी ABS और EBS वगैरह दें, क्योंकि ये तो निश्चित ही अब कुछ समय बाद इस तरह की गाड़ियां सेल नहीं होंगी जिनके बेस सेगमेंट में भी सभी सुरक्षा फीचर्स नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आप लेटेस्ट वीडियो, इन्फॉर्मेशन, इवेंट्स और ऑफर की जानकारी के साथ जान सकते हैं। अपने मन में चल रहे बहुत सारे सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स के द्वारा उनका आंसर देते हैं आपके हर कमेंट्स का। इसके अलावा आपके कमेंट्स पर ही आधारित Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम किया जाता है हर संडे को, तो आप देखना ना भूलें ये प्रोग्राम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ, जय हिंद।